चलिए फिर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये जो मिरर आर्ट हमने किया हुआ है एमडीएफ के ऊपर, ये इसको हम इसकी जो फिलिंग है वो कोन से कैसे कर सकते हैं। अब कोन से करने का जो एडवांटेज मैंने फील किया वो ये है कि नॉर्मली जब हम सीमेंट से, वॉल पुट्टी से या पीओपी से फिल करते हैं तो उसमें क्लीनिंग का एक बहुत एफर्ट होता है और क्लीनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और क्लीनिंग ड्राई हो जाता है तो क्लीन करने में मिरर समय बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। सो हमने ये जो ट्राई किया है, ये हमने मार्बल पाउडर, फेविकॉल और एक एक्रेलिक कलर का पेस्ट बना के उसको कोन से फिल किया है। तो ये जो छोटा सा हमने ईवल आई बनाया है ब्यूटीफुल सा, ये ईवल आई इस हम कोन टेक्निक से देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए फिर प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर मार्क करेंगे इस एमडीएफ का, तो उसके लिए हमने एक सेम साइज़ का न्यूज़पेपर कट कर लिया है और अब हमने उसको हाफ किया, फिर इसको हम 1/4 कर देंगे। अब इसको एक कॉर्नर से लगाएंगे तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है वो आपको सेंटर दे देगा। अब हम लाइंस ड्रॉ कर लिए इसी पेपर की हेल्प से, आप स्केल से भी कर सकते हो। अब आपको सेंटर मिल गया है तो अब हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। एक आपको रफ आइडिया लेना होगा कि आपके जो मिरर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एस्टिमेट करना होगा कि आपको कितना दूर दूर सर्कल बनाने हैं। तो नॉर्मली मैं तो मिरर एक रख के देख लेती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हमें विड्थ कितनी चाहिए, कितना दूर पे सर्कल ड्रॉ करने हैं, क्योंकि आपके पास मिरर कुछ पर्टिकुलर साइज़ के ही होंगे। तो अगर आप बिना एस्टिमेट के काम करोगे तो कुछ एक लाइंस ऐसी हो सकती हैं जो आपको बाद में रिमूव इरेज करके नहीं बनानी पड़े। तो ये कुछ मिरर्स हैं डिफरेंट शेप एंड साइज़ के जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फेविक्रिल की फैब्रिक ग्लू जो आती है उसकी हेल्प से सारे मिरर्स को स्टिक कर देंगे और जो हमारा डिज़ाइन हमें बनाना है वो हम पहले रेडी कर लेंगे। मिरर का जो डिज़ाइन आपको बनाना है वो आप फैब्रिक ग्लू लगा लगा के पूरा रेडी कर लो। सो अब हम थर्ड लेयर में थोड़ा ट्रायंगुलर शेप के मिरर यूज़ करेंगे और उससे डायमंड बना के, क्योंकि डायमंड शेप के मिरर नहीं है। सो आप इस तरह से थोड़ा अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके जो आपके पास अवेलेबल मिरर्स हैं उनके साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हो। सो ये हमारा फाइनल, हमने बेस लेयर रेडी कर लिया है मिरर्स के साथ। अब हम फिलिंग के लिए, कोन के लिए मार्बल पाउडर और फेविकॉल का एक पेस्ट बना रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्लैक कलर, क्योंकि हम तीन कलर यूज़ करेंगे, वाइट, ब्लैक और ब्लू। सो हमें तीन डिफरेंट कोन्स बनाने होंगे और कोन में फेविकॉल उतना डालना है कि वो ईजिली हम उसको जब फिल करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाना हो, इसलिए फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वो कंसिस्टेंसी अभी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, इजी फ्लो करने वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ किया हमने इसमें। अभी हम कोन में फिल कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हमें सिर्फ बीच का गैप फिल करना है, तो छोटे कोन ही सफिशियंट है इस काम के लिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने बड़े पीस पे काम कर रहे हो उसके हिसाब से आप कोन बना सकते हो। ऊपर से कोन को अच्छे से सील करना है टेपिंग करके, जिससे आप जब प्रेशर दो तो कलर बाहर ना आए, ये जो कलर का पेस्ट है आपका। अभी हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। सेंटर में हमने ब्लैक कलर यूज़ किया, उसके बाद स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, फिर जो नेक्स्ट लेयर हमने की वो वाइट कलर से की। इसमें हमें मिरर क्लीन नहीं करना होता है, बस जो साइड साइड की जगह है वो फिल करनी होती है, जो गैप्स हैं धीरे धीरे उनको फिल कर देने का है। वो अपने आप लेवल कर लेता है, पेस्ट इतना ज़्यादा स्मूद है कि अगर आपने कहीं ज़्यादा कहीं कम किया है तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप लेवल कर लेगा, क्योंकि फेविकॉल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो बहुत इजी है फिलिंग करना, इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है प्रोजेक्ट अपना। बस यही, आपने फिल करने के बाद इसको कंप्लीट ड्राई कर